दरभंगा में सोने के कारोबारी से 5 करोड़ की लूट की घटना को एक हफ्ता बीत गया। पुलिस ने लूटपाट में मदद करने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली है। दरअसल पुलिस को ना तो अभी तक मुख्य अपराधी ही मिला है जिसने इस घटना को अंजाम दिया और ना ही एक भी ग्राम सोना या चांदी। पुलिस की तफ्तीश का आलम आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बिहार तक की टीम पहुंची है वो लॉज जहां ये अपराधी ठहरे थे और जहां बैठकर इन्होंने पूरी प्लानिंग की थी। दरभंगा में 5 करोड़ से ज्यादा सोने की लूट के मामले में पुलिस भले ही घटना का उद्भेदन कर दिया हो, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली ही है। लूट का कोई सामान जेवर बरामद नहीं हुआ है। हम इस वक्त खड़े हैं दरभंगा के मदारपुर मोहल्ले में जहां अपराधियों ने शरण ली थी। ये वो मकान देख रहे हैं जहां बताया जा रहा है कि जो सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड किया गया है, जो 8 दिख रहे हैं अपराधी, वो इसी मकान में ठहरे थे। और ठीक इसके बाहर देख नज़ारा देखिए कि ये पॉश इलाका है, लोग रहते हैं यहाँ, लेकिन कोई कैमरे पे आगे सामने बोलना नहीं चाह रहा है। पुलिस कई बार यहाँ आई है, कई बार जांच की है, लेकिन एक लापरवाही भी साथ में दिख रही है कि यहाँ लोगों ने बताया कि ये जो आप बाइक देख रहे हैं पल्सर बजाज की है, पल्सर लगी हुई है, वो कई करीब एक महीने के आसपास से बताया जा रही है लावारिस हाल में यहाँ पड़ी हुई है। पुलिस ने इसे देखा भी होगा। आखिर ये बाइक किसकी है ये कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि अपराधियों की हो सकता है चोरी की हो सकता है कि किसी आम लोगों की भी हो। इसका जांच नहीं किया गया है, तो ये एक लापरवाही दिख रही है कि ये लावारिस बाइक आखिर है किसकी। दूसरी तरफ हम घर के अंदर जा रहे हैं जहां अपराधियों ने शरण ली थी, ये वो पूरा मकान है। देखिए कहीं कोई दरवाजा नहीं है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अंदर में एक बिस्तर भी दिख रहा है गर्म, जो ठंडे के वक्त में लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ठंड से बचने के लिए। तो ये पूरा नज़ारा है, यहाँ देखने से साफ नज़र आ रहा है कि जो नशीली चीज़ें प्रतिबंधित है उस तरह का भी कुछ चीज़ देखे जा रहे हैं। मतलब ये कहा नहीं जा सकता है कि कौन लोग यहाँ रहे, कौन लोग रह सकते हैं नहीं रह सकते हैं, जिसे जो मन आएगा वो यहाँ कर सकता है। फिलहाल मोहल्ले के लोग इस पूरे मामले में कुछ भी बताना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन अपराधियों का यह एक अड्डा बन चुका था, इस घटना से तो यही सामने आ रहा है। पुलिस की लापरवाही का आलम तो आपने देख ही लिया कि महीने दिन से लावारिस बाइक खड़ी है, लेकिन पुलिस को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं। लूट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई थी, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी मुख्य आरोपियों के गिरफ्तार तक नहीं पहुंच पाए। दरभंगा से प्रहलाद कुमार की रिपोर्ट।